नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई विपक्षी नेताओं में अगर कोई मजबूत नेता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी है, राहुल गांधी भी है। खुद ही क्लियर नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं 2019 में जो जीता वो लड़ेगा, फिर कह रहे हैं 2014 में जो जीता और वो हार गया अगर 2019 में तो उसको सीट मिलेगी। आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप जी मेहमानों को आप खिलाइए, लेकिन आप G20 के लिए दिल्ली की पूरा चेहरा आपने बदल दिया दिल्ली का। अगर आप G20 को ना देखते हुए अच्छा किया है तो मैंने वही बोला कि ये वैचारिक नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं, अवसरवादी गठबंधन है। अब मुझे ये कांग्रेस बता दे कि क्या वो दिल्ली छोड़ेंगे या पंजाब छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्सर जिन चेहरों को आप स्टूडियो में देखते हैं वो आज एक साथ नजर आएंगे आपको, और नजर इसलिए भी आएगी क्योंकि जो मुद्दे बड़े होते हैं उनमें किसी एक पक्ष की राय होना जरूरी नहीं होता। राय भिन्न होनी चाहिए, उसकी दिशा भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अब मुद्दा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या देश की सुरक्षा का हो, महिला सुरक्षा हो, सनातन के अपमान का हो या वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी हो, विश्लेषण हर एक मुद्दे का होगा और इन्हीं आयामों पर होगा। आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा विपक्षी गठबंधन जो INDIA है वो लगातार बैठकों का दौर करता जा रहा है। कर्नाटका में नाम दिया तो मुंबई में उनके लोगों की पहचान मिली, दिल्ली में जो मीटिंग आज होगी उसमें सीटों के शेयरिंग के ऊपर एक प्लान बनना तय है। शरद पवार जहां महाराष्ट्र प्लान लेकर बैठेंगे तो वहीं देखना होगा कि कांग्रेस क्या प्लान लेके आएगी। अब ये भी देखना होगा कि आने वाले विधानसभा में किस प्रकार से रणनीति बनाकर सीटों का बंटवारा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सीनियर मौजूद है, राजीव जी मौजूद है। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार भी मौजूद है मानसी। मानसी आपसे भी बात करेंगे, सर आपसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर आप बताइए, जो गठबंधन आज जो बन रहा है, जो आज की मीटिंग चल रही है, आपका क्या मानना है सीटों को लेकर, ये कुछ कर पाएंगे क्या? सुमीर देखो यार, ये 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में, फिर बेंगलुरु में, मुंबई में, और ये चौथी दिल्ली में शरद पवार साहब के घर पे हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बैठकें, ये चौथी बैठक ही बता रही है कि 3 बैठकें इससे पहले क्यों हुई, चौथी बैठक की जरूरत पड़ क्यों रही है। मतलब ये साफ साफ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बार बार बैठकें, और हर बार पिछली बार भी ये हुई थी कि कहीं ना कहीं सीटों को लेकर बंटवारे बात होगी, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि सीटों को लेकर कहीं किसी निष्कर्ष पे ये पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में दिल्ली में अलका लंबा ने बयान दिया, कांग्रेस उस पर फिर मुखर हो गई, डर गई, फिर उसने फिर उनको भी बयान से थोड़ा पीछे हटना पड़ा, फिर आम आदमी पार्टी चढ़ बैठी, फिर अभी बिहार को लेकर इन्होंने सगुपा छोड़ा कि बिहार में भी हम लड़ेंगे, और फिर दिल्ली को भी इन्होंने धमकी दे दी कि दिल्ली में भी हम सारे सीटों पर लड़ेंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ के अंदर बोल के आ गए हैं कि भाई जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा वो मैं दे दूंगा, तो ये इनका कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा जब ये लोग विधानसभा में, मुझे लगता है कि नहीं खिल्लियाँ उड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। बढ़िया सवाल है, सवाल इसलिए भी बढ़िया है कि सोचिए कि इन लोगों ने अभी हाल में ये समझौता के तरफ आगे बढ़े थे कि भाई कांग्रेस जहाँ मजबूत है अपने गढ़ में वहाँ लड़ेगी और क्षेत्रीय दल को वहाँ स्पेस देगी, बट ये संभव नहीं है। आप देखिए, आप बिहार में कैसे लड़ेंगे, बिहार में आप राजद और जदयू का जो गठबंधन है कांग्रेस का भी, तो उसमें आप कहाँ से, आप टिक नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि हमें 2009 का जो था वो फॉर्मूला चाहिए। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी, उसको लग रहा है इस बार भी हम ज़्यादा सीट लेके उसी फॉर्मूला पर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अब वो देख रही है कि 2014 में जब 5 साल बाद आ रहे हैं तो 2 सीटों पर जीत रही है, 2019 की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद फिर जब चुनाव हुआ तो 1 सीट रायबरेली। तो ये डरी हुई है कांग्रेस कि 2014 में 2019 में तो हमारा पत्ता साफ था, तो 2009 की बात कर रही है। वैसे ये तमिलनाडु में देखिए, वैसे आप महाराष्ट्र में देखिए, इतना आसान नहीं है। क्या मानसी आपका क्या कहना है? देखिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, और वजह सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से हम विधानसभा के अभी नतीजे देख रहे हैं, विधानसभा में हालात देख रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि अगर आप विधानसभा में ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोकसभा में एकजुट कैसे होंगे। विधानसभा में अलग अलग और लोकसभा में एकजुट होने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि अभी अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था, ममता बनर्जी पर उन्होंने तंज कसा, पश्चिम बंगाल के राज्य पर वो कब्जा करना चाहते हैं, वो चाहते
चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो हमारा हो जाए, लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि हम एकजुट हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के यहाँ पर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि अगर सभी पार्टियां एकजुट वाकई हो जाती हैं तो क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? क्योंकि अगर कुछ परसेंट भी अगर नुकसान होता है भाजपा को तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि शेयरिंग और एक साथ आने की बात छोड़िए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम 2014 में जहां से जीते थे सुमीर, हम वहीं से फिर से टिकट लेके फिर लड़ेंगे, मतलब जिताओ कैंडिडेट का जो फॉर्मूला इनका है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखिए 2019 में जहां जीते ठीक है वहां से आप लड़ लेंगे, 2014 में जो हारा है या 2014 में जो जीता है, अगर 2019 में हार गया है तो ये कह रहे हैं कि 2014 में जब जिसको सीट मिली थी, जिस पार्टी को सीट मिली थी, जिस कैंडिडेट को सीट मिली थी, वही फिर यहाँ आके 2024 में जीतेगा। खुद ही क्लियर नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं 2019 में जो जीता है वो लड़ेगा, फिर कह रहे हैं 2014 में जो जीता और वो हार गया अगर 2019 में तो उसको सीट मिलेगी, तो थोड़ा सा इनके बीच में भी क्लियर नहीं है। निश्चित तौर पर तय है। देखो मुझे ऐसा लगता है, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि कोई भी जब गठबंधन बनते हैं तो ये वैचारिक गठबंधन होते हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है तो आपके गठबंधन की जिंदगी थोड़ी लंबी हो सकती है। आइडियोलॉजी कहां मैच कर रही है? सुमीर यहाँ जानबूझ के मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कहीं मसला निकल ना जाए। जाके अभी जब G20 के इधर सम्मेलन हो रहा था तो राहुल जी उधर पहुंच गए और जाकर उधर जो बयान दिए हैं उसमें गीता दुनिया की वो बात कर रहे हैं, हमने पढ़ी है। उन्हीं का घटक दल कह सकते हैं या उनके गठबंधन का जो DMK है वो सनातन को लेकर विवादित बयान दे रहा है, उसका फिर काउंटर कर रही है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कि हाँ, ऐसे अपमान नहीं वो सपोर्ट में आ जा रही हैं। तो मैंने वही बोला कि ये वैचारिक नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं, अवसरवादी गठबंधन। अगर मैं देखूं जिस पार्टी ने इनको दिल्ली से आउट कर दिया, जिस पार्टी ने इनको पंजाब से आउट कर दिया, वो पार्टी पंजाब के भीतर तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, अच्छा काम नहीं कर। जब लोकसभा चुनाव जब आएंगे, मुझे ये कांग्रेस बता दे कि क्या वो दिल्ली छोड़ेंगे या पंजाब छोड़ेंगे? देखिए वजह यही है कि जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति करने का ये दावा तो करते हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी यहाँ पर असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल जैसे कि सोमवीर जी कह रहे हैं पीएम फेस को लेकर के अभी तय नहीं है, नीतीश कुमार बनना चाहते हैं पीएम, ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि पीएम बने। प्रदर्शन चालू हो गया इन लोगों का मुंबई वाली मीटिंग में, नीतीश कुमार के जो होर्डिंग थे वो अपने आप में बयान कर रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे दावेदार काबिज हो गई है, क्या ये कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार होगी? इसके मन तो बढ़ेंगे, एक को तो बढ़ाना चाहेगी ना हर हाल में आम आदमी पार्टी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वहां मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कहीं से कॉम्प्रोमाइज करने के हालात में होगी। दूसरी बात और देखा जाए कि जिस तरह से G20 के सम्मेलन में नीतीश कुमार बुलाया गया और तीन घंटे नीतीश कुमार रहे, उसके लेके भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों ने विरोध किया और उसके बाद बाहर निकल कर लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे वाले मसले पे, हालांकि वो कहीं किसी बहुत संवैधानिक पोस्ट पर इस तरह का कोई चीज नहीं है, तो मुख्यमंत्री को बुलाया गया था तो उनको वो गए लोग और इनको को बुलाया मतलब नहीं बनता था। दूसरी तरफ एक तरह से कहीं किकरी करा दिया था, तो इसको लेके भी भले ही कांग्रेस अपना दलित कार्ड खेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि भाई पंजाब दिल्ली को पकड़ कर रखना है। बात तो आप मानिएगा कि INDIA के अंदर जो गठबंधन में जो पार्टी है वो NDA के मामले में ज्यादा मजबूत है। मतलब कैसे, इसको आप थोड़ा सा मुझे बताएं। क्षेत्रीय दल बड़े मजबूत है, DMK को हराने वाला उधर कोई नहीं है। आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता के लिए कुछ नहीं है। नहीं लेकिन लेकिन कौशिक मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, तर्क आपका अच्छा है, लेकिन सनातन विवाद के बाद जैसे सनातन का जो पहला विवाद इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने किया, उसके बाद उनके पिता ने स्टालिन ने बोला ही, उसके बाद ए राजा बोल रहे हैं, उसके बाद नायक वहां का जो, लेकिन इसका इंपैक्ट आप हिंदी बेल्ट में देख सकते हैं, आप साउथ में इसका इंपैक्ट फिर भी नहीं देख पाए। नहीं देखिए आज ऋषि सुनक आके वो तमिल ब्राह्मण है, इंदिरा नोई तमिल ब्राह्मण है, जो US में जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे रामास्वामी वो भी तमिल ब्राह्मण है। आप ये देखिए जिन तमिल ब्राह्मणों के विरोध के दम पे आपने राजनीति को खड़ी की थी, अब वो उसे नकार रहा है। आके वहाँ सनातन को उन्होंने पूजा तो किया, स्वामी अक्षरधाम मंदिर में जाकर आप सोच रहे हैं कितना बड़ा वो है मैसेज है। तो क्या ऋषि सुनक को जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, तमिल ब्राह्मण इनको डिसलाइक करके DMK को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे?
अब यही कुछ दिन पहले करुणानिधि ने पोस्टर में हिंदी लिखना वो किया था, फिर बाद में चलिए वो राजनीति के तहत या विपक्ष को मामला ना बन जाए, मामला उठाने लगे, उन्होंने अपने आप पैर पीछे कर दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी है तमिल की भी, वो भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए भेजती है स्कूलों में। लेकिन सर, तो एनडीए में नहीं है ना, नहीं जिस तरीके से, मैं यहाँ पर एक पक्ष रखना चाहूंगी, जिस तरीके से साउथ में हम हालात देख रहे हैं, इस तरीके के सनातन धर्म को लेकर के जो बयान दिया जाता है, तो वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इतनी मजबूत है साउथ में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। आप देखिए कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे, तब कितने पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार किया गया था, एनडीए के तमाम बड़े नेता, भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार किया गया था। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कर्नाटक में पूरी तरीके से जीत होती है वो कांग्रेस पार्टी की होती है, तो ये हिंदू वाली जो राजनीति है। मुद्दे को थोड़ा सा अलग देखता हूं, कर्नाटक का मुद्दा स्थानीय मुद्दा था, मैं यही बात बार बार बोलूं, विधानसभा के चुनाव को आप लोकसभा से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ये ब्रॉड चुनाव होते हैं, इसके अंदर नैरेटिव बड़े होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट इसमें महत्वपूर्ण होता है, लोकल इंटरेस्ट इस पे हावी नहीं हो पाते। तो जरूर कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अभी ऐसा होने को तो अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी बदलाव हो जाएगा, पर उसका ये अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मैं कहूं तो ये मेरा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये जो विधानसभा के चुनाव है लोकसभा को तय करेंगे। बिल्कुल, विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी स्थिति देखी है, अभी हाल ही में जो गुजरात में चुनाव हुए थे, इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने, राजस्थान के हालात अगर देख लें, तो भले कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राजस्थान में मजबूत दिखती है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तनातनी देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति जो है वो डामाडोल भी कर रही है। तो ये पूरी तरीके से निश्चित है कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अच्छा कौशिक, बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल का बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं कुछ स्टेट पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, जैसे बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, आपको महाराष्ट्र हो गया, ये अगर तय हो गया, अगर इन स्टेट्स में, बंगाल बोला, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन पाँच से दस स्टेट्स में अगर पार्टियाँ तय कर ले रही हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जा रही हैं, तो तय मानिए बाकी सारे स्टेट में एक एक दो दो चार चार जो भी सेट है वो सब क्लियर कर लेंगे। आप आईएनडी आइए कि मतलब उसके हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन संभव कैसे हो पाएगा? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी नहीं आने देगी, और आपको लगता है कि कांग्रेस को वो वहां के वोटर्स वोट कर देंगे? मतलब बहुत बार, लेकिन एक चीज है, वो कांग्रेस वो कभी नहीं चाहेंगी कि बीजेपी वहां आगे बढ़े, और बीजेपी के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज, हालांकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूं, और कॉम्प्रोमाइज क्योंकि उन्हीं का ये वो है। आईएनडीआईए में ऐसा कोई गठबंधन इसने एक्सपेरिमेंट ना किया, विधानसभा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से एक्सपेरिमेंट कर लिए, इनको पहले से अनुभव है कि कौन किसका कितना वोट ला सकता है। कांग्रेस की समस्या ही सबसे बड़ी ये है कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आना चाहती तो आएगी किसके दम पे? साउथ में तो आपके पास दल है, वो चुनाव लड़ेंगे, वहां पे आपका वैसे वोट बैंक नहीं है। वेस्ट बंगाल और यूपी बिहार के अंदर आपको वैसे जगह कम मिलने वाली है। झारखंड में शिबू सोरेन है, वो आपको नहीं ले देंगे। बचा कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि बंगाल में तृणमूल, पता है ममता बनर्जी क्या कर रही है? कांग्रेस पास तो नेता ही नहीं बंगाल में लड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी कांग्रेस तो बीजेपी बन चुकी है ना, इतना बड़ा मजाक है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस सोच रही है 2009 में जो 6 सीटों पे जीत मिली थी उसको लेके, कांग्रेस 10 साल से तो कहीं हवा ही नहीं है बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से, तो इसको लग रहा है कि 2009 वाले सत्ता चीजों को दोहराए, शायद हम फिर वही जीत लेके चले हैं, जबकि चीजें बदल गई हैं, साल साल भर में चीजें बदलती हैं। और यही कांग्रेस है, इनके घटक दल जिस तरह से राज्यों में मिट्टी पलीद किए हैं, उससे स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कांग्रेस को अभी भी इस चीज को भान नहीं है। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार कौन है, कांग्रेस की या राहुल गांधी सलाहकार कौन है, कि भाई जब चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंचे तो 5 गालियां तो गिन के, जब G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन हो, आयोजन हो, तो पहुंच जाओ वहां विदेश, वहां जाकर गालियां देने लगो सनातन को, विवाद लेकिन सर विपक्ष का तो काम ही होता है ना गालियां देना और उनके सवाल उठाना, लेकिन करना होता है देश की छवि खराब करना ना। लेकिन देखिए ये गालियां देने ये बात नहीं, ये देश की छवि खराब करना होगा ना मानसिक, जहां तक मुझे लग रहा है। आप देखिए, आप उसी वेद विधान की और गीता की बात कर रहे हैं। गीता किससे है? भारत से गीता से भारत है। आप गीता की तारीफ कर रहे हैं, आपको क्यों सहारा लेना पड़ा?
आप एक तरफ सनातन के लेके आपके घटक दल डीएम के इंडिया के जो है सुमीर वो कोरोना डेंगू और बाद में एड्स से भी लोग तुला कर दे रहे हैं, इरादा भी कर रहे हैं, उस पर सब समर्थन भी कर रहे हैं, और कांग्रेस चुपचाप बैठ के सत्ता की मलाई चाटती रहेगी, ये पॉसिबल है? सोचिए भाई, आप चंद्रयान को लेके आप उल्टा पुल्टा बोल दे कि नहीं कुछ वो नहीं है सर, केरला की जो आप हम बात करें, अगर केरला में नंबी नारायण साहब इतने बड़े वैज्ञानिक, 20 साल पहले हम ये सारी चीजों को अचीव कर लिए होते, लेकिन इनको जेल में डालने के बाद सजा इसका, इसमें कौन था? इसके पीछे अमेरिका था और पश्चिमी ताकतें थी, बिल्कुल थी, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई है इस पे। दूसरी चीज आप देखिए, सनातन पे इतने बड़े विवादित दे दिए और आप चाह रहे हैं कि सर चंद्रयान वाले पे मैं ये कहना चाहूंगी कि चंद्रयान का जो क्रेडिट जाता है वो साइंटिस्ट को जाता है, तो नरेंद्र मोदी को तो क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट जाता है, अगर तब ये मानते हैं ना उसी साइंटिस्ट को, अच्छा उसी साइंटिस्ट को आप जेल में कर दे रही है, अब ये कौन क्रेडिट लेगा चाहे क्रेडिट नहीं लेगा, इसमें क्या कहेंगे आप? पहला जो चंद्रयान पहुंचा था उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जो अब यहाँ पर उस समय क्रेडिट लिया गया मनमोहन सिंह का लिया गया, तो यहाँ पर मनमोहन सिंह के समय में जो चंद्रयान पहुंचा उसके पहले सब देशों ने पहुंचा दिया, मोदी जी के शासन में जो चंद्रयान पहुंचा वहां तक कोई नहीं पहुंचा है। देखिए अगर क्रेडिट की बात करोगे ना, तो जो चंद्रयान फर्स्ट जो गया था ना, उसकी जो कमेटी का जो गठन है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उन्होंने उसको पारित किया था कि चलो ठीक है हम इस मिशन पे काम करते हैं। मैं तो उस फेवर में ही नहीं हूं, अगर मैं उस क्रेडिट पे आऊं तो फिर तो इसरो नेहरू ना बनाता, मैं तो उस फेवर में ही नहीं हूं। कोशिश करना चाहूंगा हीरो लेकिन सारा क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगा। देखिए जो मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन जारी करती है? राजनीति कांग्रेस की कर रही है, राजनीति भाजपा की कर रही है। सर्जिकल निर्माण पे स्ट्राइक पे भी इंदिरा की कूटनीति को माना जा रहा है ना, बांग्लादेश के निर्माण, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पुलवामा में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है कोसी मानसिक के पीछे कुछ दूसरा कारण है ना, ये तो तुम ही समझते हो, मैं भी समझता हूँ। राजनीति सब कर रहे हैं सर, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, भाजपा भी राजनीति कर रही है। मैं भी कहता हूँ राजनीति करनी चाहिए, तभी देश को सही समझ में आएगा, लोग सही समझ में आएगा कि कहाँ वोट देना कहाँ नहीं देना। बिल्कुल, लेकिन देश का नाम आप विदेशी फलक में जाके, विदेश में जाके, बेल्जियम जाके गालियां देने लगे, ये सही नहीं है। आप ये चीज बताइए, G20 सम्मेलन को लेके एक भी भारतवासी को ये सफलता असफलता बगैर सफलता से कुछ बात करनी चाहिए क्या? और बात करने कुछ बनता है क्या? आप देखिए ना, बताइए ना, यूक्रेन वाले मैटर कितना शानदार गेम खेला इंडिया ने, पूरा का पूरा नेशनल बोध कर दिया, पूरी ओपन चैलेंज कर रहा, पूरा वर्ल्ड मीडिया बैठा हुआ था, मुझे पूरा वर्ल्ड मीडिया बैठा है, बता दो विफलता बता, G20 की पूरा वर्ल्ड मीडिया बैठा हुआ था, किसी तरह से यूक्रेन का मुद्दा हम छेड़ दे और इसके बाद इनकी मिट्टी पली दो और ये घिर जाएंगे घिरते ही। लेकिन बाली कोई भूला है क्या? बाली में यही हुआ था ना, चाइना और रशिया ने पलक झपकते ही बाली वाले मुद्दे पे जो G20 हुआ था, कितनी गालियां पड़ी उनको। इंडिया को इसके पता था कि रशिया उसका बहुत करीबी है और अगर यूक्रेन भी करीबी है, अगर हम इस पे कहीं ना कहीं घिर जाते हैं, और ये घिरने की कोशिश हो रही थी। आप ये मत सोचिए कि हमारे जो खाना खाने आ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत इज्जत के साथ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा वियतनाम में ये जा रहे हैं, ये बाइडेन साहब वियतनाम में जा रहे हैं, इसको लेके हमारे यहाँ की कुछ जो एंटी मीडिया है या एक भी जो बात जिसको G20 में एक भी पॉजिटिव चीज दिखी ही नहीं, उन लोगों ने ये सुर अपना स्टार्ट कर दिया विदेशी मीडिया के साथ कि बाइडेन साहब को वियतनाम जाकर बोलना पड़ा। अरे भाई, व्हाइट हाउस के पूरे शेड्यूल में, उसकी प्लानिंग में ये चीज था, क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं कुछ भी बोल जा रहे हैं, चाहता हूँ कि INDI पे वापस आ जाए घूम के, G20 पे मैं बोल के फिर उस पे आऊंगा, क्योंकि मेरा पक्ष रखूंगा बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो थॉट थे ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन है आज इसीलिए शीर्षन के नहीं हो पा रहा, ये सब कुछ वो भी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं। खैर आप बताइए, मैं G20 को खत्म करके वापस इस पॉइंट पे आऊंगा कि क्यों बंगाल के अंदर BJP अच्छा करने वाली है, क्योंकि जो हम तीन जैसे अभी लड़ रहे हैं ना, ऐसे TMC कांग्रेस और क्या नाम है CPIM लड़ती रहती है, उसके बीच में एक बढ़िया सिक्योर वोट बैंक BJP 10 साल में बना चुकी है, और आप लगातार देखिए BJP का वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटें बढ़ रही हैं, आधे आधे पे लाके छोड़ दिया है पिछले लोकसभा के। ऐसा तो नहीं कि हम दोनों BJP साइड से हो रहे हैं, और ये बात है ही नहीं, मैं स्टैटिक्स पे हूं, पत्रकार मैं आंकड़ों पे हूं, पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष है हम लोग, नहीं मैं स्टैटिक्स पे हूं, जो आंकड़े बोल रहे हैं निष्पक्ष है, क्लिक इंडिया के वीडियो बता रहे हैं कि निष्पक्ष है। और रही बात G20 की, तो अगर किसी भी वैश्विक मंच को अगर आप विस्तार दे रहे हो और जो कंट्री उस विस्तार में अहम भूमिका निभा रही हो,
तो आप समझे कि उससे ज्यादा सफल कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, चाहे मुद्दे कितने भी उठे हो उससे कोई मायना नहीं रखता। लेकिन आपने उसका विस्तार कर दिया, आपने G20 को G21 कर दिया, जब तक ये 22 नहीं होगा तब तक भारत का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्या कहना? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, एग्री करता हूँ। हाँ ट्रू। अच्छा। लेकिन जितना अगर ये बात अगर उठाई जा रही है G20 की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सम्मेलन में 1400 करोड़ रुपए जो खर्चा किया गया है, अगर ये तो पैसा है तो खर्च दिया। हाँ ले पैसा जनता का पैसा है भाई, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में जो खर्च किया गया था मानसी, उसका फल देखिए। मैं सोचिए, नहीं अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 4000 टिश्यू पेपर आया, उससे आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ मानसी। कॉमनवेल्थ में जो पैसे खर्च किए गए ना, उससे उड़ीसा उड़ीसा हो गया। सोचिए उसका इंपैक्ट होता है। आप ये सोचें कि आप किसी मेहमान को बुलाएं और मुरमुरा खिला के भेज दें, वो आपको गालियां ना दे और आपके साथ डील कर ले। आप मेहमानों को खिलाइए, कितने कॉरिडोर से ले, कितनी सारी चीजें, कितना अच्छा। आप सुन ही नहीं रहे आप जी, मेहमानों को आप खिलाइए, लेकिन आप G20 के लिए दिल्ली की पूरी पूरा चेहरा आपने बदल दिया दिल्ली का। अगर आप G20 को ना देखते हुए पहले दिल्ली का चेहरा अच्छा किया, आप पहले बदलते ना, आपने सड़कों से फुटपाथ से उन लोगों को हटा दिया। दिल्ली समय से बदलती गई, दिल्ली एक बार एशिया गेम पे चेंज हुई जब इंदिरा की सरकार थी, ठीक है, फिर कॉमनवेल्थ पे चेंज हुई दिल्ली जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ चेंज ही नहीं हो, तो दीवारें पोती गई है बस, चेंज क्या क्या, झाड़ू मारी सड़कों के ऊपर, और क्या चेंज है बताइए आप मुझे। तीसरा चीज बताइए, कौन सा पुल बना दिया एक्स्ट्रा भाई, चेंज हो रहा है, चेंज पॉजिटिव है। और जो टनल बनी है प्रगति मैदान वाली, उसे कौन यूज कर रहा है? चेंज पॉजिटिव है, पहले बदलना चाहिए था ना, समय दिखाने के लिए बदला जा रहा है। 2008 जब हमें प्रेसिडेंसी कोई चीज की मिल रही है और हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो बाइडेन देश में आ रहा है कोई हल्की बात नहीं होती है। चेंज पॉजिटिव है तो बुराई क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कौन सा होटल नया बना दिया, उन्हीं होटलों में ठहरे हैं लोग, फुटपाथ से उन लोगों को हटा दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारी दिल्ली की जो छवि है वो बहुत अच्छी है। भावनात्मक नहीं, हर जगह भावनात्मक होना जरूरी। सुनिए मैं बताता हूँ, स्लीपर सेल बैठा हो तो कोई सड़क पे उसी दौरान नहीं अच्छा लगता, अग्री, लेकिन आपको इससे पहले स्लीपर सेल समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। सोचिए कि किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र प्रमुख के साथ या उनके सहयोगी के साथ कुछ गलत हो जाता तो आपको पता है पूरे विश्व में इंडिया का नाम खराब हो जाता। अग्री अग्री, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर अच्छा काम किया गया है, लेकिन आपको ये मुद्दे पहले से भी उठाने चाहिए, आपको ये चीजें पहले से भी देखनी चाहिए कि ये जो छवि है जो देश की खराब हो रही है, जो लोग, जो महिलाएं लगातार उनके साथ रेप हो रहा है, मणिपुर की घटना पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस तरीके बोलेंगे G20 में के अंदर नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं कि विषय बड़ा गंभीर था वास्तविकता में। जो मणिपुर पे मुझे विजय लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दे को काफी ऐसे हल्के में ही निपटाने की कोशिश कर दी सरकार को, जिन मुद्दों पर क्रिटिसाइज कर पे एक ह्यूमन बीइंग तो हम लोग कभी इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, बट देखिए ये राजनीति का एक कहा जाए एंगल है इन लोगों के पास। मटर पे प्रियंका गांधी बोलती हैं क्या? नहीं नहीं सर, सर जिन मुद्दों पर सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए उन मुद्दों पर करना चाहिए, आप उनको अग्री करना चाहिए उस बात पर कि हाँ हमने भारतीय जनता पार्टी गलती की है। मुझे बताइएगा आज की मीटिंग में सीट को लेकर क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, फिर आप पूरे एनालिसिस को देखिए। मेरे पास कुछ जो आंकड़े हैं जी, इसमें देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में आप तय मानिए, कुछ स्टेट वाइज में बल्कि वो कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेके जो मेन बागडोर रहेगी हाथ में तो सपा के रहेगी। देखिए इसमें क्या, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मांग है कि सीट शेयरिंग में 2009 के फॉर्मूले को अपनाया जाए, जो मैंने बताया भी था आपको, जो घोसी विधानसभा विजेती हाँ, कि भाई 2009 में वो 21 सीट जीती थी तो वही उसी लागत में, यही पश्चिम बंगाल में करना चाह रही है वो, 2009 में वो वहाँ 6 सीटें जीती थी, तो ये तो ठीक हो गया, उत्तर प्रदेश चली हो गया। महाराष्ट्र का मैंने बोला कि लोकसभा 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यहाँ इंडिया गठबंधन शिवसेना UBT NCP शरद कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, राजू सेठी की सरकारी संगठन को भी गठबंधन मिलाने की कवायद चल रही है। अब शिवसेना की डिमांड है 18 सीटों की, जबकि कांग्रेस छोटी पार्टियों को सीट देकर बाकी बचे सीटों पर इक्वल डिवाइड करना चाहती है। और ये कहीं से भी अगर कांग्रेस की अगर चलती तो शिवसेना NCP और कांग्रेस को 15-15-15 पे चुनाव लड़ सकती है, और ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी संभव दिख रहा है। 2019 में शिवसेना 18 और NCP को 4 और कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 21 सीटों पर तो NCP 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, शिवसेना को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अभी कहां संभव है मानसी? ये कुछ ये लोग जो
विपक्षी दल है, ये क्या अंत तक भी सीटों को लेके अपने आप को जस्टिफाई और सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये एक लैक है इंडिया गठबंधन में और इसको इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि विधानसभा में अलग अलग चल रहे हैं और लोकसभा में एकजुट की बात करते हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। और बीजेपी यही वजह है कि कॉन्फिडेंस में चल रही है पूरी तरीके से कि इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर पीएम फेस को लेकर के तय हो जाता है, चेहरा तय हो जाता है और ये जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है वो तय हो जाता है, तो देखिए अगर मजबूत लीडर की मैं बात करूं नरेंद्र मोदी के को टक्कर देने के लिए अगर कोई विपक्षी नेताओं में अगर कोई मजबूत नेता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी है, राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी भी है, हाँ राहुल गांधी है। अगर कौशिक मन से राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व बना रही चेहरा नहीं है तो वो है। ठीक है, तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो कई मुद्दों पर थी कि INDIA का क्या समीकरण बनेगा, मुद्दे क्या। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप मोदी विरोध में गठबंधन कर रहे हो तो आपके गठबंधन में खामियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप मुद्दा आधारित राजनीति पे आएंगे तो आपकी राजनीति का भी कोई आधार नहीं रहेगा। बेसिकली अगर आप 2014 उठाइए या 2019 उठाइए, बीजेपी ने मुद्दा आधारित राजनीति की है और वो अभी भी मुद्दा आधारित ही करेगी। अब बीजेपी इस मामले में भाग्यशाली कहला लीजिए या फिर आपका दुर्भाग्य कह लीजिए इसको कि आपके पास फेस नहीं है। दूसरी बड़ी पॉइंट जो मेरी तरफ से मैं बताऊंगा इस चर्चा के माध्यम से निकला है कि राहुल गांधी एक नेता के रूप में भले ही अच्छे तरीके से अब रिप्रेजेंट अपने आप को कर पा रहे हो, लोगों में एक अच्छा सेंटीमेंट भी बन चुका हो, लेकिन वो बतौर है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे आज भी ट्रस्टवर्दी नहीं है जनता के बीच में। लेकिन ये जनता को तय करने देते हैं। हाँ, जनता के बीच में ही तो और चलो ठीक है, जनता तय कर देती है, हमेशा करती तो आई अभी तक। और तीसरी बड़ी बात यह है कि INDIA, मैं लगातार बोलता हूं, जो इनके बीच में जो डॉट लगते हैं ना, ऐसा ना हो इन सीटों के चक्रव्यूह में फंस के ये डॉट पूर्ण विराम में बदल जाए और ये संगठन जो है तितर बितर हो जाए। अब अगली वीडियो भी हम लेके आएंगे बहुत जल्द। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मानसी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। अगली वीडियो हम किस पॉइंट के ऊपर लेके आए, किन मुद्दों पर लेके आए, ये भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया।